हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक यूट्यूबर नहीं टिकटॉकर बन के बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत कमेंट्स में और हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स थोड़े बहुत बताए थे कि हाँ भाई ये बंदा फेक न्यूज देता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। ज्यादातर रोमा सिंह करके एक लड़की है दोस्तों, इसने जरा बुरा बर्ताव किया है हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ, तो सोचा इसका जवाब पहले दे देता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ। मेरे को ढेर सारी न्यूज मिली दोस्तों, ढेर सारी न्यूज कल मैं कलेक्ट कर पाया, सोचा डालूंगा नहीं, पहले सबको बता देता हूँ मैं न्यूज कहां से कलेक्ट करता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो डालते हैं करके दोस्तों। तो ये आज की जो भी न्यूज होगी इस प्रूफ पे दोस्तों, मैं कहां से न्यूज कलेक्ट करता हूँ, कैसे कलेक्ट करता हूँ, सारा आपको बताऊंगा। पहली बात ये थी दोस्तों के रोमा सिंह करके एक लड़की है जो कि बहुत बुरा बर्ताव करती है हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स के साथ, जो भी मर्जी में आता है बता देती है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करके। इसने कैरिमिनाटी के बारे में भी कहा है, टिकटॉकर्स के बारे में भी बोला, बुरा भला कहा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं सोचा आप तक ये बात पहुंचा देता हूं और प्रूफ भी कर देता हूं, मैं कान से न्यूज लेके आता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स सारी डिटेल आपको बताता हूं। पहले दोस्तों एक लड़की है रोमा सिंह करके, सो ज्यादातर उसके लिए वीडियो बना रहा और थोड़े बहुत भी है साथ में जो बताते हैं फेक न्यूज प्रूफ करो करके। दोस्तों एकदम इतना आसान नहीं होता दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, बहुत मेहनत से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, उसके बाद मैं लेके आता हूं, कहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो। ये बनाने में इतनी दिक्कत होती है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना मतलब आप सोच रहे हो कितनी ज्यादा परेशानी होगी। तो मैं सोचा चलो आज इस पर एक वीडियो पहले बना देते हैं, उसके बाद आपको डिटेल सारे रोज रोज लेके आता हूं। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों बहुत जल्द, विद डिटेल विद प्रूफ, ऐसे नहीं कि जो मर्जी में आ रहा है बता दिए। आज मैं न्यूज़पेपर का नाम भी बताऊंगा, न्यूज चैनल का नाम भी बताऊंगा जिसपे ये सब आता है, जिस जगह पे ये सब होता है। तो चलो फ्रेंड्स बताता हूं। पहले रोमा सिंह करके एक लड़की है दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि कैरिमिनाटी के मैं बहुत बड़ी फैन हूं वगैरह वगैरह, बहुत सारी कैरिमिनाटी की तारीफ करती है। दीदी आप गलत चैनल पे हो, पहली बात ये है आप गलत चैनल पे हो, तो क्या मतलब है इस चैनल पे आने का? दीदी ये या तो टिकटॉक की न्यूज है, आपको खुश हो जाना चाहिए अगर कैरिमिनाटी की फैन हो तो, टिकटॉक बंद हो चुका है। मैंने कभी आपको ये नहीं कहा टिकटॉक आ गया, 100% कल ही आएगा, परसों ही आएगा, बस मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है दीदी मैं वो आप तक पहुंचाता हूं, मेरा ये काम है, इतना तो दिमाग में रख लीजिएगा। मैं ये प्रूफ भी करूंगा, टेंशन मत लो, आज मैं प्रूफ भी कर दूंगा आपको कि ये मेरे को कहां से मिलती है, कौन से न्यूज चैनल से मिलती है, सारी की सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो एक बात करी मैं कैरिमिनाटी की, दीदी पहली बात तो ये है हम लोग कैरिमिनाटी को कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बंदा गंदी गंदी गालियां देता है आपको भी, क्यों मैं ये भी बताता हूं, आप भी एक टिकटॉकर हो, ये तो मैं आपके प्रोफाइल में जाके चेक कर लिया था, आप भी एक टिकटॉकर हो तो आपको भी वो गाली लगती है, सारे टिकटॉकर को मिला के गाली देता है बंदा, ये गंदी गंदी मां बहन की गाली देता है, तो आपकी भी मां बहन की गाली दी है, यही तो हकीकत है। आप उसके बावजूद भी सपोर्ट करती हो, बताती हो मैं कैरिमिनाटी की फैन हूं करके, भाई आप जैसे लोगों के लिए ही तो ये बंदा इतना करता है, गलत बात है। यदि किसी को गाली देना गलत बात है भाई, एटलीस्ट दूसरों का नहीं, खुद के माँ बाप के बारे में तो सोचना चाहिए। एक बंदे को जो मर्जी में आता है गाली दे देता है, उनके माँ बाप भाई बहन जितने भी फैमिली वाले सब देख रहे होंगे ना, उनका तो लिहाज करना चाहिए उतनी गंदी गाली देने से पहले। बस थोड़े पैसे थोड़ा फेम के लिए, थोड़े सब्सक्राइबर्स के लिए व्यूअर्स के लिए जो मर्जी में आता है कि दो गंदी गंदी गालियां दे दो चलेगा, आप उसकी फैन भी बन जाती हो। तो पहली बात ये गलत है दीदी, मैं नहीं सोचा ये सब बनाने का, आप मजबूर कर दिए मेरे को, जो कि हमारे थोड़े बहुत व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बता रहे थे कि बिहेव योरसेल्फ जो भी बोले थे गंदा लगा अच्छा नहीं लगा, तो सोचा मैं आपको बता देता हूँ हकीकत क्या है करके। आप दूसरी बात ये बताती हो कि बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिसके पास टैलेंट नहीं है, 12-14 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, तो उनको सबक मिलना चाहिए। दीदी 12-14 मिलियन सब्सक्राइबर्स मतलब टैलेंट होगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं के चलो भाई मिल भी गया तो आपको क्या परेशानी, आपको नहीं मिले क्या, आपको नहीं मिले होंगे, इसीलिए आप बता रहे हो जो मर्जी में आ रहा है बता दे रहे हो। 12-14 मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है दीदी बहुत मेहनत करनी होती है, इतनी कड़ी मेहनत करनी होती है, समझो मेरे चैनल पे जाके देखो अब आप लोग 1.1-1.2 मिलियन समझो 1.2K सब्सक्राइबर्स है, बस इसके लिए कितनी मेहनत क्या है मेरे को पता है, जब इसके लिए इतनी मेहनत होती है तो 1.2 मिलियन के लिए, 12 मिलियन के लिए, 14 मिलियन के लिए जैसे आप बताए थे कितनी मेहनत लगती होगी। आप बस उनसे जलती हो क्योंकि आप उतनी फेमस नहीं होगी, बस दूसरा कुछ भी नहीं है, बेहतर है दीदी। आप दूसरी बात भी बताती हो फेक न्यूज देता हूं मैं, फेक इन्फॉर्मेशन देता हूं करके, दीदी पहले क्रॉस चेक कर लो, बताती हूँ मैं न्यूज चैनल देखती हूँ करके। मैं आपको बताता हूँ कल ढेर सारी न्यूज आई है उसमें थोड़े बहुत न्यूज मैं आपको बताता हूँ, पहले देख लो दीदी। बाइट डांस जो कंपनी है टिकटॉक की, जो हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है क्योंकि ये यूएस में भी बैन होने की कगार पे आ गया है टिकटॉक, तो उन्होंने कितना बड़ा डिसीजन लिया है यूएस के और इंडिया के चक्कर में, जो हेडक्वार्टर्स है बाइट डांस का वो लोग चाइना से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करने वाले, ये कल की न्यूज थी। न्यूज का चैनल का नाम है ये भी सुन लो इकोनॉमिक टाइम्स, ये कल मतलब कल रिलीज हुआ था इकोनॉमिक टाइम्स पे,
तो पहली न्यूज ये थी दीदी, ये जाके पढ़ लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। देखो मेरे पास मोबाइल है, मैं ऐसे ही बता नहीं रहा हूं, अभी चाहिए तो स्क्रीन पे फोटो भी डाल देता हूं, देख सकते हो। दूसरी न्यूज ये है दीदी, ये जो बाइट डांस है, इन्होंने बैंगलोर मुंबई और गुड़गांव में, बैंगलोर मुंबई और गुड़गांव में इनका एक ऑफिस भी खोलने का प्लान डाला है। ये भी न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स की है, कल की न्यूज है, चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हो। मैं जो भी मर्जी मैं आता नहीं बता देता, जाओ चेक करो, मैं चाहिए तो ये फोटो भी डाल देता हूँ। आप इकोनॉमिक टाइम में जाओ, ऐसे नहीं के गए दो मिनट में चेक के गूगल में नहीं मिल जाता, इसके लिए मेहनत करना होता है, उतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिल जाता आपको। एक और चीज है आपको बता देता हूं मैं, ऐसे ढेर सारे न्यूज है दीदी, एक ही नहीं, ये आप ये भी देख सकती हो, ये आज तक की न्यूज है। ये जो भारत सरकार का फैसला है ये अभी सिर्फ अंतरिम है, समिति तय करेगी कि प्रतिबंध रखा जाए या हटा दिया जाए। ऐसे ढेर सारे न्यूज मिलते हैं दीदी, आपको बस मेहनत करनी होती है, ऐसे नहीं कि एकदम आसानी से आपको कुछ भी मिल जाएगा। मैं सोचा पहले आपको न्यूज दे देता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ इस पे, पर आप एक के लिए मैं हर बार प्रूफ करना नहीं चाहता दीदी। हमारे ढेर सारे व्यूअर्स है, जिसको सही लगता है देखते हैं दीदी, मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कभी ये नहीं बताया कि टिकटॉक आ गया भाई जाके देखो करके, बस इतना कहता हूँ कि चांसेस बहुत ज्यादा है टिकटॉक के आने के, और मैं रोज रोज इस पर आपको अपडेट देता रहता हूँ, जो मैं इधर पढ़ता हूँ गूगल में वही आपको आपके बताता हूँ। आप भी चाहे तो जाके गूगल में सर्च करो, पर आप क्या सर्च करती हो पता नहीं, कैरी मिनाटी की उतनी जानकारी रख सकती हो तो गूगल पे जाके चेक भी कर सकती हो ना, या फिर उसी से पूछ लो, कैरी मिनाटी से ही पूछ लो कि कब आने वाला है। दूसरी बात ये कही आपने कि सुशांत सिंह का जो मर्डर हुआ था उसके ऊपर न्यूज बनाओ करके, दीदी मैं मेरे फेसबुक में ऑलरेडी उस पर बहुत सारे चर्चे कर चुका हूँ, जो कि आपके पास नहीं है क्योंकि ये चैनल मेरा नया है। आप ये जाके कैरी मिनाटी से कह सकते हो ना, क्योंकि कैरी मिनाटी ऐसे अच्छे काम नहीं करता क्या, सिर्फ गाली देना आता है उसको, सिर्फ गाली देना आता है, सबकी माँ बहन की गाली देना आता है, सारे टिकटॉकर्स को रुस्ट करना आता है, वो खुलेआम कहता है दीदी टिकटॉकर्स लड़कियां आए मुजरा करने वाली है करके, सारों को मिला के, मतलब ये आपको भी ना पा, गलत बात है ये, आप उसकी सपोर्ट करती है तो ये आप भी उसकी, आप तो उसी की कैटेगरी की, ना फिर आप भी गंदी गंदी गालियां देती होंगी। एक और न्यूज है दीदी सुनाता हूं, सुनो, ये आपके फर्स्ट FIRS की फर्स्ट पोस्ट, POS की पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट में रिलीज हुई है, जो कि कांग्रेस की लोकसभा MP नुसरत जहान, इन्होंने भी एक न्यूज दी है। मैं सोचता ऐसे लेके आता हूँ करके, पर मेरे को सही नहीं लगा, पहले आपको जवाब दे देता हूँ फिर मैं न्यूज लेके आता हूँ, चाहे तो आप जाके गूगल करके क्रॉस वेरीफाई कर लो। नुसरत जहान ने यह कहा है कि जो कि लोकसभा कांग्रेस की MP है ये महाराष्ट्र, एक मिनट रुको मैं बोलता हूँ, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र, कोलकाता में इन्होंने ये भी कहा है, सॉरी कोलकाता में इन्होंने ये भी कहा है कि टिकटॉक के बैन होने पर डिमोनेटाइजेशन में कितना प्रॉब्लम हुआ था, उतना प्रॉब्लम इस पे होगा, टिकटॉक पे होगा। तो ये भी न्यूज जाके पहले आप पढ़ लो सारी, उसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ। ऐसे ढेर सारी न्यूज है, ये तो मैं चार पांच बता रहा हूँ, कल इतने सारे न्यूज कलेक्ट किया मैं, समझो तीन चार वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो सोचा पहले आपको जिसका जवाब दे देता हूँ फिर न्यूज बनाता हूँ करके। सॉरी दोस्तों, सॉरी इसके लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स है, मैं सोचा पहले प्रूफ कर देता हूँ। दोस्तों इसके कॉपीज में भी डालूंगा, आप भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर लो, दोस्तों इसके कॉपीज में डालूंगा, जो भी न्यूज चैनल है इसके नाम भी डालूंगा, 360 गैजेट करके। मैं ज्यादातर न्यूज निकालता हूँ दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो यूएस न्यूज चैनल है उससे, और एक रीयूट्रेस करके है दोस्तों, जो कि यूनाइटेड किंगडम का न्यूज चैनल है वो, तो ऐसे ढेर सारे लोकल इंडियन लोकल न्यूज चैनल भी है वो, पर ऐसे ही नहीं है दोस्तों, जाके आप सर्च कर लो ये मिल जाएगा, इस थोड़ी बहुत इसकी गहराई में जाना होता है, पर क्योंकि ज्यादातर चैनल्स इसको दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि मतलब इनको गवर्नमेंट से दबाव है, तो ज्यादातर चैनल्स ये चीज को, पर्टिकुलर चीज को दिखाना नहीं चाहते, तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैं जो मर्जी में आ रहा हूँ। आप दूसरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, सबने बता दिया कि भाई बैन ही है, टोटली बैन है करके। दोस्तों कभी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है, सिर्फ टेम्पररी बैन करके कहा है, परमानेंट बैन करके कहीं पे आप पढ़ा होगा, पढ़े होंगे तो मेरे को दिखा सकते हो दोस्तों, कोई न्यूज़पेपर पे कभी भी टेम्पररी समझो, परमानेंट बैन करके कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, या फिर कोई भी न्यूज चैनल ने नहीं कहा है, बस टेम्पररी बैन है, इसके जो भी प्रोसेस है चालू में है, अब वापस आ भी सकता है नहीं भी, चलो मैं ये भी कह देता हूँ आपको, पर चांसेस तो 90% है, 90% का मतलब हाँ के बराबर हुआ ना, तो मैं बस ये कहता हूँ आपको भाई, चांस टिकटॉक आया भी नहीं दोस्तों, बैन ही हो गया, मैं भी वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है, बस मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ, ऐसे नहीं कि जो मर्जी में आया बता दिया, जो दिल में आया बता दिया। कल की वीडियो में जो बनाया था वीगो लाइव, और उसमें प्रूफ भी दिया था दोस्तों, डेट भी डाला था नीचे चेक करने के लिए मैं, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, आप लोगों के जो मर्जी में आता है। मैं सिर्फ ये रोमा सिंह को करके बोल रहा हूँ, और थोड़े भी थे इसमें जो फेक न्यूज करके बता रहे थे, सोचा उनको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ, पर चाहने वाले बहुत ज्यादा दोस्तों, पर ये मेरी आखिरी वीडियो होगी क्लैरिफिकेशन पे और प्रूफ पे, नेक्स्ट मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं मेरे जो भी मेरा न्यूज मिलता है मेरे को मिलती है, मैं मेरे सब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए डालता रहूंगा, जिसको देखना है देख सकता है, जिसको नहीं देखना है उनकी मर्जी है दोस्तों।
बस जो मेरे व्यूअर्स है और मेरे सब्सक्राइबर्स है उन्होंने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे बंदे हैं, लव यू भाई जान, लव यू भाई, तो यही ये भाईचारा मेरे लिए काफी है। टिकटॉक आएगा या भाड़ में जाएगा ऐसे तो मैं नहीं कहने वाला हूं, बस जो हकीकत है आपको उतना बताता हूं मैं। टिकटॉक वापस आ जाए मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी। दूसरों की जैसे नहीं कहता हूं कि भाई टिकटॉक भाड़ में जाए, इंडिया की गवर्नमेंट, भाई हम मेरे को पता है कितनी प्रॉब्लम चल रही है टिकटॉक को लेकर, बहुत सारे बंदे परेशान है जिसके ढेर सारे सब्सक्राइबर थे, जिसकी ढेर सारी कमाई होती थी इस चीज से, इतना कमा रहे थे बंदे घर बैठे खाते पीते आराम से। अब जैसे समझो इनको पूरी तरह से इनका बंद हो गया, अब कमाना मतलब मुश्किल हो गया इनके लिए। एक और बात कहनी थी दोस्तों, जो इंस्टाग्राम में रील करके एक ऐप आया है, अच्छा है दोस्तों, मैं देखा थोड़ा बहुत बेहतर है, पर टिकटॉक के लेवल का तो है नहीं। टिकटॉक जैसा है दोस्तों, थोड़े बहुत दिन के लिए जब तक ये वापस नहीं आ जाता आप ट्राई कर सकते हो। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं आपको वो भी आपको लेके आ जाता हूँ, उसके फीचर्स कैसे हैं, क्या है, कैसे है करके। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था, बेहतर दिखा मेरे को तो बता दिया, पर उतना अच्छा तो नहीं होगा, पर ओके है दोस्तों, सेम सिमिलर टू टिकटॉक जैसा है दोस्तों। तो ये था दोस्तों, मैं सोचा आपको ये बता देता हूँ। अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो भी न्यूज चैनल से मैं निकालता हूँ पूरी फोटो डालता हूँ दोस्तों, उसमें न्यूज चैनल का नाम भी रहेगा, आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये कल रात की न्यूज है और कल सुबह की न्यूज है। मैं सोचा बना देता हूँ डायरेक्ट इस पे वीडियो करके, मेरे को सही नहीं लगा तो मैं आपको बोल दिया, पहले बता दिया कि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। मैं सारे फोटो जो भी न्यूज कल मेरे को मिले, ये आज तक वाला, ये वाला जो भी है, ये जो समझो इकोनॉमिक टाइम्स, 360 गैजेट्स, ये फर्स्ट पोस्ट, ये वाले जो भी न्यूज चैनल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी एक मिला है, पूरा सारा मैं आप मेरे स्क्रीन पे दे दूंगा जैसे जैसे बीच बीच में, आप चाहिए तो उसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, चैनल का नाम भी है, डेट भी रहेगा, टाइम भी रहेगा, सब रहेगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, सिर्फ उस लड़की के लिए बनाया, पर गलत लगा हो तो माफ करना दीदी, मैं जानबूझ के नहीं किया, पर आप मेरे को मजबूरन ये करने के लिए मजबूरन करना पड़ा दीदी आपके लिए। प्लीज हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ मिसबिहेव मत करना, आपको सही लग रहा है चैनल तो वीडियो देखो, नहीं तो हट जाओ दीदी, कोई जबरदस्ती नहीं। आप सारे के सारे वीडियोस देखते हो, हर वीडियो में यही बताते हो, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन। दीदी इसके लिए बहुत मेहनत मैं करता हूँ, आप बोल दोगे गलत इन्फॉर्मेशन है करके, जो मेहनत करता है ना उसको पता चलता है। तो प्लीज सॉरी दोस्तों, सॉरी आपको कुछ हर्ट होने जैसा बोला तो सॉरी मैं जिसको भी, पर ये कहना जरूरी था तो कह दिया, आप जो है आपकी मर्जी, चाहिए तो आप जाके बता दो दीदी कि आपके जो क्यारी मराठी है बता दो, रूस्ट करने दो दीदी, कते फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं इससे सब डरने नहीं वाला हूं, पर जो हकीकत था मैं बताया बस, अभी भी वही बताता हूं, किसी को गाली देना बुरी बात है, किसी की माँ बहन की गाली देना बुरी बात है, सारे टिकटॉकर्स को मिला के मुजरा करने वाले बोलना बुरी बात है, थोड़े बहुत करते होंगे भाई, करते भी होंगे तो उनकी मर्जी है भाई, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका पैसा है, उनका मोबाइल है, उनका रिचार्ज है, उनकी जिंदगी है, उनका इंडिपेंडेंस है, तो उनकी मर्जी है, आप कौन होते हैं भाई बोलने वाले, आपका कोई हक नहीं बनता इस पे बोलने का। तो सॉरी दीदी, आखिरी बार सॉरी बोल रहा हूँ, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आज की शाम में एक और न्यूज आपके लिए लाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि ये अब फिलहाल ये डाल रहा हूँ, आप चेक कर लो एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपके लिए भी एक लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रूफ देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।